सिल्ली के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो आपके संपर्क में है क्या? देखिए संपर्क में है, बातचीत होती है, अगर वो हमारे राजनीतिक दल से आएंगे तो मैं चूंकि बड़ी उपाध्यक्ष जो हमारे बड़े भाई देवेंद्र जी हैं उसी क्षेत्र से हैं तो मैं ये निर्णय उन पर छोड़ देता हूँ। मैं आज मीडिया के माध्यम से अमित महतो जी का चुनाव लड़ना हमारे दल से या ना लड़ना, चूंकि उस क्षेत्र के हमारे स्तंभ है देवेंद्र जी, हम उन्हीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि वो मान के चलो लोकसभा लड़ चुके हैं, वो 6 सीटों पर लड़ चुके हैं और रांची हटिया उनके लिए कहीं भी खुला है। तो ये निर्णय मैं आदरणीय बड़ी उपाध्यक्ष जी पे छोड़ता हूँ कि अमित महतो जी के साथ हम लोग किस प्रकार से राजनीति में करें या किस किस तरह उनके साथ आए, चूंकि उसी क्षेत्र से आते हैं तो ये मैं उनको ये संज्ञान में देना चाहूँगा। कोई नाराजगी ऐसी कुछ नहीं है। देखिए अभी बात है कि राज्य के लिए हम लोग आए हैं, हम लोग सीटें जीत कर जाएंगे तो मजबूत होंगे। तो मान के चलिए अगर 2 प्रत्याशियों में चूँकि जो लगे कि हाँ इस बार के लिए परफेक्ट है, वो नो डाउट वो फ्यूचर है, तो उसके बाद भी उनको ये निर्णय उन पर हम लोग सोचते हैं। साहब राजमहल से 1 नंबर विधानसभा से लेकर गढ़वा के 81 नंबर वाले विधानसभा भवनाथपुर तक केची छाप, केची छाप झारखंड राज्य अलग हो चुका है। लेकिन अगर कांके क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ के लोग झारखंड अलग राज्य की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं, क्योंकि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई थी जमीन बचाने की लड़ाई, अपने जमीनों के संरक्षण की लड़ाई। बिल्कुल यहाँ रिन पास रिम पास है, यहाँ ITBP है, यहाँ पागल खाना है, यहाँ कैंसर अस्पताल है, यहाँ आपका BIT मेसरा इसी विधानसभा में आता है, इसी विधानसभा में आपका और मैंने CMPDI का आता है, इसी विधानसभा में आपका CCL आता है। हमको लगता है 12 या 13 उद्योग ऐसे हैं इस विधानसभा के अंतर्गत आते हैं और वहाँ लोग विस्थापन की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं और बहुत ही मतलब कष्टकारी स्थिति में लड़ रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इस क्षेत्र के लोग झारखंड अलग तो हो चुका है लेकिन अलग राज्य की लड़ाई के तर्ज पर आज भी लड़ रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। अलग झारखंड राज्य में इनके साथ ये व्यवहार, ये दुर्व्यवहार, ये दुर्भाग्य है। तो इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि सरकार इस विषय को, जिला प्रशासन इस विषय को संज्ञान में ले और विस्थापन की जो मांगे हैं उस समस्या का निदान किया जाए। यहाँ के वर्तमान विधायक भी कहीं ना कहीं लोग सवाल उठाते हैं कि बाहरी है और स्थानीयता प्रूफ करते हैं कोर्ट में। देखिए सबसे पहली बात है कि वो राजस्थान से हैं, ये लगभग लगभग तय है। और चूंकि आप जनरल सीट में पूरे भारतवर्ष से आकर कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन जो आरक्षित सीटें होती हैं वहाँ उसी राज्य का निवासी होना चाहिए। जैसे कल्पना मैडम वो भी चाहती तो किसी संथाल के लिए रिजर्व, मैंने संथाल के लिए नहीं ST के लिए रिजर्व सीट पे जाके चुनाव लड़ती, लेकिन वो जाके गांडे की जनरल सीट से चुनाव लड़ी क्योंकि उड़ीसा राज्य की बेटी हैं, बहू झारखंड की हैं लेकिन बेटी उड़ीसा राज्य की है। तो ठीक उसी प्रकार जो समरी लाल जी हैं ये राजस्थान से संबंध रखते हैं लेकिन ये हमारे राज्य का दुर्भाग्य है कि लोग जानबूझकर मतलब गलत चीज़ों को इस राज्य में लगातार मतलब प्रचलित कर रहे हैं। समरी लाल जी का यहाँ से विधायक होना भी असंवैधानिक है क्योंकि वो हमारे राज्य के नहीं है, अतः आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से चुनाव लड़कर विधायक बने, ये बड़ा विचित्र है। आज के अखबार में सुर्खियों में दिया गया कि चंपाई सोरेन आपके पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तो क्या कुछ है? देखिए सबसे पहली बात उस राज्य के कदावार नेता हैं, इस राज्य के एक इतिहास में उनका दौर रहा है लेकिन उनकी ओर से कोई पहल नहीं हुई है। अगर ऐसी पहल होगी तो हम लोग बैठकर उस पर जरूर चर्चा करेंगे लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। जयराम जी जिस तरह से हमेशा देखा जाता है कि देवेंद्र जी कहीं पर भी अगर सभा होती है तो आते हैं लेकिन आज यहाँ पर नहीं आए, क्या कारण? देखिए ये तो उनका निजी कारण हो सकता है, क्योंकि मैंने आकर पूछा कि भाई नहीं आए हैं तो उन्होंने कहा नहीं हम लोग टेलीफोन किए लेकिन मैंने भी फ़ोन किया उनको, उनका 9431 और 9470 दोनों नंबर स्विच ऑफ है और ऐसा मालूम हुआ कि उन्होंने एक नया सिम लिया जो उनके 4-5 लोगों तक ही सीमित है। तो मैंने ताकि दोनों जिला अध्यक्ष से पूछा, युवा मोर्चा के भी अध्यक्ष से पूछा और मैन मोर्चा के भी अध्यक्ष से पूछा कि हमारे बड़े उपाध्यक्ष जी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं उनसे हम लोग टेलीफोनिक बात ही नहीं हो पाई है और विशेष कुछ नहीं है, सारा ऑफ है। 9431 भी ऑफ है, हम लोग फोन किए नहीं, मैंने खुद फ़ोन किया, अगर अभी ऑन है तो हो सकता है लेकिन मैंने खुद फ़ोन किया कि अगर बाय द वे इनसे छूटा है तो हम खुद उनको कहेंगे क्या पाइए, लेकिन बातचीत नहीं हुई। ऐसा कोई बात नहीं है क्योंकि देखिए अब वो विधानसभा का समय है और ये कांके विधानसभा है तो अब ऐसा कोई मायने नहीं है, लोकसभा जैसा कुछ है ठीक हो, प्रत्याशी हैं अलग बात है लेकिन अब चूंकि सब कोई अपना विधानसभा को ही फोकस कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि जो जिस विधानसभा का है वहीं पर अभी फिलहाल फोकस किया जाए, जिला भी बहुत बड़ा होता है तो ऐसी ये कोई विषय बात नहीं है। जयराम महतो आजकल हेमंता विश्व शर्मा से गुफ्तगू करने का बहुत इंटरेस्ट रख रहे हैं। इंटरेस्ट नहीं, वो एक मेहमान है और मेहमान का सम्मान करना झारखंड की प्रकृति रही है। जी बिल्कुल, पारा शिक्षक में 95% ज़्यादा लोग झारखंडी हैं और अगर झारखंड के पारा टीचर मजबूत होंगे इन्हें झारखंड का एक परिवार मजबूत होगा, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी,
और जो लोग सिस्टम को खोखला करने के लिए आए हैं वो नहीं चाहेंगे कि झारखंड का कोई परिवार मजबूत हो। इसलिए देखिए आज जहाँ प्रोफेसर बनते हैं जहाँ की तनख्वाह 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख है, वहाँ झारखंडी नहीं है तो वहाँ कोई बात नहीं होता। PGT में ओपन टू ऑल कोर्ट कैटेगरी में धड़ल्ले से बाहर के लोग आते हैं, वहाँ कोई बात नहीं होता। लेकिन जब पारा शिक्षक की बात आती है तब देखते हैं, लग से मौन साध लेते हैं। 24 सालों से ये मानना होगा आपको कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है वो शिक्षक हो के उन्होंने हमें लगता है बहुत सारा काम किया, कभी दवा भी बांटे तो कभी जनगणना भी किया। तो जनगणना तो खैर करते हैं शिक्षक, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो शिक्षकों का नहीं था। तो नो डाउट 24 साल से झारखंड की शिक्षा की जो रीढ़ है उसको थाम कर बैठे हैं पारा शिक्षक। क्या सिल्ली के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो आपके संपर्क में है क्या? देखिए संपर्क में है, बातचीत होती है, अगर वो हमारे राजनीतिक दल से आएंगे तो मैं चूंकि बड़ी उपाध्यक्ष जो हमारे बड़े भाई देवेंद्र जी हैं उसी क्षेत्र से हैं तो मैं ये निर्णय उन पर छोड़ देता हूँ। मैं आज मीडिया के माध्यम से अमित महतो जी का चुनाव लड़ना हमारे दल से या ना लड़ना, चूँकि उस क्षेत्र के हमारे स्तंभ है देवेंद्र जी, हम उन्हीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि वो मान के चलो लोकसभा लड़ चुके हैं, वो 6 सीटों पर लड़ चुके हैं और रांची हटिया उनके लिए कहीं भी खुला है। तो ये निर्णय मैं आदरणीय बड़ी उपाध्यक्ष जी पे छोड़ता हूँ कि अमित महतो जी के साथ हम लोग किस प्रकार से राजनीति में करें या किस किस तरह उनके साथ आएँ, चूँकि वो उसी क्षेत्र से आते हैं। तो ये मैं उनको ये संज्ञान में देना चाहूँगा, कोई नाराज़गी ऐसी कुछ नहीं है। देखिए अभी बात है कि राज्य के लिए हम लोग आए हैं, हम लोग सीटें जीत कर जाएंगे तो मजबूत होंगे। तो मान के चलिए अगर 2 प्रत्याशियों में चूँकि जो लगे कि हाँ इस बार के लिए परफेक्ट है, वो नो डाउट वो फ्यूचर है, तो उसके बाद भी उनको ये निर्णय उन पर हम लोग सोचते हैं, उनसे मिले जुले बातचीत करें और इसका निष्कर्ष निकालें। क्या आपका ये निर्णय रहेगा कि सुदेश महतो जो महतो वोट बैंक को झारखंड में संभालने का काम कर रहे हैं उस वोट बैंक को ध्वस्त करने का काम आपकी पार्टी? देखिए हम लोग किसी जाति की राजनीति करने नहीं आए हैं, हम लोग झारखंड के जनमानस के दर्द पर मरहम लगाने की राजनीति करने आए हैं और दर्द किसी एक जाति को नहीं मिला है। परीक्षा में बैठने वाले छात्र एक जाति के नहीं होते हैं, विस्थापन होने वाले लोग एक जाति के नहीं होते हैं, नौकरियों में धक्का खाने वाले लोग एक जातियों के नहीं होते हैं, पारा शिक्षक एक जाति के नहीं हैं, आंगनबाड़ी की सेविकाएं एक जाति के नहीं हैं, स्वास्थ्यकर्मी एक जाति के नहीं हैं, सहायक पुलिसकर्मी एक जाति के नहीं हैं। तो हम लोग झारखंड के दर्द पे महरम लगाने की राजनीति करने आए हैं, अतः झारखंडियत की राजनीति करने आए हैं। लेकिन जब हम लोग राजनीति करेंगे तो सभी जाति सभी तबकों को जरूर लाभ मिलेगा। लेकिन झारखंड की राजनीति में तो यही चर्चा है ना कि जयराम महतो कहीं ना कहीं सुदेश महतो की राजनीति कैरियर को खत्म करने के लिए है। हम किसी को कैरियर को क्यों खत्म करेंगे भाई? आप अगर अच्छे से काम किए हैं तो जनता आपको चुनेगी, हम कैसे किसी को खत्म कर सकते हैं? हमारे कहने से हमारे बोलने से अगर कोई खत्म होता और किसी इंसान के बोलने या करने से कोई खत्म होता तो लोग दुनिया को ख़त्म करा चुके होते। ये उस व्यक्ति के कार्य पर डिपेंड करता है कि आप 25 वर्षों से 30 वर्षों से 40 वर्षों से जिन्होंने राजनीति किया है, आपने जनता के साथ कैसा व्यवहार बनाया है, जनता के मुद्दों के साथ कैसा काम किया है, ये उन पर डिपेंड करता है। कैची छाप सिंबल मिलने के बाद जरा मतो पार्टी में कितना मजबूत महसूस कर रहे हैं, जनता के बीच में कितना मजबूत महसूस कर रहे हैं? चूँकि लोकसभा में हम लोग बटे हुए थे, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, हमारे प्रत्याशियों का सिंबल एक नहीं था। अब केची छाप यानी राजमहल, शायद राजमहल के एक से लेके गढ़वा के भवनाथपुर के 81 तक एक केची छाप, साहेबगंज के राजमहल से एक नंबर विधानसभा से लेकर गढ़वा के 81 नंबर वाले विधानसभा भवनाथपुर तक केची छाप केची छाप केची छाप।